तो यहाँ पे अपनी कढ़ी रेडी है, बस इसमें डालेंगे कुछ धनिया। कितना अच्छा लग रहा है ना मनोज। हाँ गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह हो गई है। आज का मेरा हेल्थ अपडेट है कि थोड़ा सा मुझे कल से भी बेटर लग रहा है। बस अभी नाश्ता करना है, मनोज ने नाश्ता रेडी कर दिया है, तो पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद घर के बहुत सारे काम वैसे ही पड़े, क्योंकि मनोज को बहुत सारे काम एक साथ हैंडल करने पड़ रहे थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि वैसे ही पड़े हैं। तो मनोज ने अभी अभी वॉशिंग मशीन भी लगा दिया है कपड़ों का, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पड़े थे धोने के, मैंने धोए नहीं थे अभी तक, तो वॉशिंग मशीन भी लगा दिया है। नाश्ता भी रेडी है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद मेरी मेडिसिन होगी तो मुझे दवा खानी होगी, फिर दोपहर का लंच करेंगे। तो मैं मिलती छोटा लग रहा है नए नए पत्ते आ रहे, इसको भी अच्छा लग रहा है ना। इसको आज मनोज खाद डाल देना प्लीज, और इसके जो ये निकले है ना घास फूस तेज देना उसको, निकल नहीं, वो एकदम अंदर रूट उसके एकदम अंदर रहे। ये भी आज फूल जाएगा ये वाला रात तक, ये वाला भी फूल जाएगा, लेकिन ना इसका क्या हुआ, इसके ना पूरे फूले नहीं, इसके ऐसे गिर गए यहाँ पे, देख ऐसे गिर गए। निकालो, गिर जाएगा ना ये, ये निकालो क्या? हाँ ऐसा लगता है गर्मी में बस यही सूखा है। को भी यहाँ पे एक धागा बांध देंगे फिर से। हाँ, और धागे को इसको लपटा देंगे, ठीक है, उसको धागा बांध देंगे ताकि ये अपना इसको भी ऐसे ही इसको भी कुछ सपोर्ट दे देंगे, या तो कोई स्टिक से, या स्टिक लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये भी पूरा ऐसे हो रहा है, झुक रहा है ना। नहीं तो इसकी कटिंग करनी होगी हमें। नहीं, कटिंग मत करो, इसको सपोर्ट दो, पहले उग रहा है, उगने दो उसको, देने दो, निकाल रहे हो। ये हो गया है ना इसका, अच्छा उसका निकल के गिर गया। हाँ, ये आएगा, उसने बोला था जो भी ऐसे पत्ते रहेंगे मुरझाए हुए या एकदम सूखे हुए, हाँ उसको निकाल देना जरूरी है, और ये भी निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा इसका जो भी पोषण है यही खा लेगा। ठीक है, तो अभी हो रही है लंच की तैयारी, 2 बज गए, थोड़ा सा लेट हुआ, मनोज काम कर रहा था, तो आज क्या बनेगा मनोज? हाँ? क्या बनेगा आज? लोकल राइस। हाँ, क्या बनेगा? कड़ी, कड़ी। तो आज कढ़ी, कढ़ाई में कढ़ी, हाँ आज कढ़ी बनने वाली है, क्योंकि मुझे खाना है, कढ़ी खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा है ना। तो चलिए कढ़ी की मतलब रेसिपी चालू करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे बनानी है। सबसे पहले तो दही लेंगे हम, पूरा ले लें, शाम के लिए भी बनेगी, अभी जितना अभी के लिए बनेगा, गर्मी में ख़राब हो जाता है सब कुछ, कड़ी नहीं ख़राब होगी मनोज। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच के करीब बेसन, अंदाजे से डालूंगी बस। अब इसमें डालूंगी हल्दी, और
थोड़ा नमक डालेंगे सबसे पहले, इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर जो भी लम्ब्स हो वो चले जाए। कैसा होता है अस्तक का? ये ऐसे दो जैसे पहले कर रहा था वैसे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। सिंपल वाला ही कढ़ी बनाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। पकोड़ा कढ़ी तो बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि पकोड़ा बनेगा नहीं अभी इतने गर्मी में, तो सिंपल वाला कढ़ी है। तो अभी चालू करते हैं, इसमें कुछ प्याज व्याज कुछ नहीं जाएगा। तो कैसे मैं बनाती हूँ कढ़ी, मतलब मनोज बनाएगा, मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूँगी कैसे बनाना है, आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो तेल डाला है, 3 चम्मच तेल डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। सबसे पहले हम डालेंगे राई, डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे लगा देते लहसुन, मिर्ची, 2 मिर्ची डाला है, ज़्यादा तीखा नहीं करना है इसके लिए, और करी पत्ता। इसको हम 2 मिनट तक पका लेंगे। करी पत्ता डाला ना आपने? इसके लिए उड़ाना। एक जीरा का टुकड़ा और के किधर की उड़ा पता है? किधर? मेरे ये पैर है ना, ये इसके अंगूठे के नीचे वो उड़ा और मेरे ऐसा दबाया उसमें तो और लग, बाकी तो मैंने कपड़े पे बहुत उड़ा। खत्म है? अभी हमने जो ये बनाया है ना मिक्सर, हाँ, तो जब डालेगा ना कंटिन्यूसली उसको स्टर करते रहना, हिलाते रहना, इसमें और ठंडा होने दो, बंद नहीं डालना डायरेक्ट ऐसा कर दिए। हाँ क्यों आवाज नहीं आया? मैं वो पहना मम्मी, तेल ठंडा हो गया, पानी और लगेगा। बस ये डाल दिया है हमने, अब इसको तब तक इस तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक कि इसको एक बॉईल ना आ जाए। थोड़ा सा हल्दी मुझे लगता है और लगेगा मनोज, क्योंकि अगर हमने इसको हिलाना ऐसे बंद कर दिया तो कड़ी फट सकती है। तो तब तक हिलाएंगे जब तक कि इसको एक बॉईल ना आ जाए, और फिर 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, अपनी कड़ी रेडी हो जाएगी। हाँ डाल दे, इसमें हमने पहले नमक डाला है, थोड़ा टेस्ट करके जितना नमक कम होगा उतना नमक हम इसमें डाल लेंगे। उसको कंटिन्यू हिलाते रहना, नमक डाल दिया है। हाँ बस अभी इसको एक बॉईल आने तक ना इस तरीके से हिलाते रहना है। एक बार बॉईल आ जाए उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा स्लो करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। राइस रख दिया है। हाँ मनोज, राइस रख दो। ये देख इसको बॉईल आ रहा है, तू उसको अरे हाँ चला, तू बोली थी ना बॉईल आएगा तब तक चला नहीं, चला ना है तो चला तो नहीं रहा है तू, बॉईल आ जाएगा, आ गया ना बॉईल, अभी क्या करना है, आ जाएगा बॉईल अभी, तो चलाते चलाते देखो बॉईल कैसे दिखेगा। पानी डालना चाहिए और थोड़ा, क्योंकि बेसन है ना बाद में कड़ी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अभी और बबल्स आएगा तो और कम होगा जो क्वांटिटी। हाँ और बेसन भी डाला है ना तो वो गाढ़ा बना देता है। अभी तो ऐसा तो सही दिख रहा है, मैं ठीक है तो। सही दिख रहा है, अभी तो बोली कि और गाढ़ा होगा, तो अभी बॉईल आना चालू हो गया है। अभी इसको स्लो कर दे मनोज, और 10 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे, फिर अपनी कड़ी रेडी हो जाएगी। कढ़ी भात, एक्चुअली कढ़ी के साथ जवार की भाकरी भी बहुत टेस्टी लगती है, मेरी मम्मी बनाती है कढ़ी, बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी और जवार की भाकरी, और मेरी नानी गांव में। तो मैं सोच रही हूँ अभी गांव जाऊँगी तो उस टाइम पे नानी को ज़रूर बोलूँगी कि कढ़ी बनाने के लिए,
बटर मिल्क की कढ़ी भी बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ पे अपनी कढ़ी रेडी है, बस इसमें डालेंगे कुछ धनिया। कढ़ी तो बिल्कुल रेडी है, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। तो चालू करते हैं। कढ़ी में हिल जाता है ना? ऊपर से डाल दे। नहीं, पता नहीं, वीडियो में कढ़ी का कलर अलग दिख रहा है, लेकिन ऐसे कढ़ी बहुत यमी दिख रही है। लाइट का इफेक्ट है। लाइट का इफेक्ट है, हाँ वही। वो वाला कलछुल लेना चाहिए था। ठीक है, बस हो गया, बस हो गया। अब मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा कढ़ी पीऊँगी, तो थोड़ा मेरे जो टेस्ट बड्स है उसको भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो मैं अभी ट्राई करती हूँ। ये देख लीजिए कढ़ी, टेस्टी बनी है। टेस्ट, मुझे टेस्ट आया इसका, मतलब टेस्टी बनी है, क्योंकि मेरे मुंह को बिल्कुल टेस्ट नहीं है 3-4 दिनों से। टेस्टी बनी है। तो अब हम कर लेते हैं लंच और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हो गए हैं रेडी, निकले हैं थोड़ी सी ठंडी हवा खाने के लिए। अब शायद से ही हमारा रूटीन ही हो गया है कि शाम को निकले थोड़ी ठंडी हवा खा के आए। ठंडी हवा खाने के लिए तो निकले हैं, लेकिन निकलते निकलते बहुत ज़्यादा पसीना हो गया। नीचे इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है हमारा फोर्थ फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर से नीचे आओ एक तो वैसे ही वीक हो गई हूँ मैं, तो डेली तो नीचे नहीं आ पाते, इसके लिए जाते हैं हम ऊपर टेरेस पे। लेकिन अभी नीचे हवा बहुत अच्छी चल रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना मनोज, आप दोनों साइड से अशोकाज है, अशोकाज। जगह पे नहीं आए थे ना, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी में, उससे तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आईफल टावर का रेप्लिका है। जब आप खुद को थोड़ा सा लो फील करते हो ना, तो ऐसी ही थोड़ी सी ब्रेक चाहिए रहती है, जहाँ पे शांति हो, पानी आ रहा है, पानी की लहरें दिख रही है, हवा चल रही है। तो अभी तो मुझे थोड़ा शांत लग रहा है। घर जाने के बाद फिर से वही गर्मी और फिर से वही सब कुछ होगा, तो लेकिन ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट को थोड़ा सा जीना है। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सबके लिए
तो हम आ गए अभी घर। अच्छा लगा बाहर घूम के, हवा अच्छी चल रही थी और जिस जगह पे हम लोग गए थे वो जगह काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा बाहर जाके, उस जगह पे जाके। वहाँ पे पानी था, बहुत सारी ग्रीनरी थी और अच्छी हवा चल रही थी मेन। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब घर के बाहर निकलना चाहिए एटलीस्ट गर्मी में। तो यार अभी गर्मी में घर पे बैठे बैठे ही आपका दिमाग वैसे ही पागल हो जाता है, और उस ऊपर से अगर आप बीमार हो तो और ज़्यादा पागल हो जाता है। तो बस बाहर जाने के बाद अच्छा लगा एंड अभी तो थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं कंपेयर टू लास्ट 2-3 डेज से। आज काफ़ी बेटर है, फिर भी दवा ववा जो है वो चालू ही है अभी तक। एंड और एक बार डॉक्टर से मिलना होगा, फिर डॉक्टर बताएगा कि आगे क्या करना है। तो बस यही अपडेट आपको देनी थी कि हम आ गए हैं घर पे। तो चलिए अब मैं ये व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। एंड हाँ, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो चैनल पे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।